विद्युत महावीर के लिए मैं आज आपके सामने एक कहानी साझा करने वाला हूँ। मेरे कहानी का नाम है दो माली। एक गांव में दो पड़ोसी थे, दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागान थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनके जीविका का साधन था। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था, अपने पौधों की सबसे ज्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था पौधों की अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने पर विश्वास करता था। इससे वे पौधों की उतनी देखभाल करता था जितनी उन्हें आवश्यकता थी। लेकिन वह अपने पौधों के तना और टहनियों को काट छाट न करके अपने मन मर्जी दिशा में बढ़ने देता था। इससे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई बल्ब नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वह जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद दूसरे पड़ोसी के पौधे खुद ही छिलका का प्रबंधन करना सीख गए थे। इसलिए उसने अपना काम किया, गए छिड़े उगाए, मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार तूफान में मजबूती से खड़ा रहा। जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का घर से ज्यादा ख्याल रखा था। लेकिन शायद वह भूल गया इसका नाम कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। सीख अभी या बाद में।